फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजीत कौर्स डेली व्लॉग। सो शी इज माय मदर, मदर्स चैनल, मेरे मम्मा का चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? हमारी जो प्राइवेसी है वो किस तरह से यूट्यूब, फेसबुक या साइबर कैफे वाले किस तरह से लोगों की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, तो वो किस तरह से होना चाहिए बताती हैं आपको। हाँ जी, सो मेनली यहाँ पर हम इस बात पे टॉपिक को लेना चाहते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर किसी के सामने कोई वीडियो भी शूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कैमरा है तो हम सभी को शूट कर लें। कई बार एक सामने वाला पर्सन विलिंग नहीं होता कैमरे पे आने के लिए, तो हमें एक उनसे एक्नॉलेजमेंट, उनसे पूछना जरूर चाहिए। हाँ, अगर वो रेगुलरली आपके साथ कैमरे पे आता रहता है या ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये कैमरे पे आता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हम इसको ऑफिशियली कहीं यूट्यूब, फेसबुक या कहीं गूगल पे या कहीं पे भी डालें या ना डालें, बट स्टिल हमें दूसरों के एक्नॉलेजमेंट या दूसरों के एनोनिमिटी का ध्यान रखना चाहिए। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि अगर सामने वाला चाहता है कि आप उसकी पिक्चर्स या कुछ भी अपलोड ना करें, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो दूसरों को उससे नुकसान ना हो या उसको एम्बेरसमेंट फील ना हो। तो यही सही बात कह रहे हैं, हमें सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज है, हम सबको साथ लेकर चलें, लेकिन किसी की हर्ट ना करें किसी को भी। यस, सो इसी के साथ जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स की भी, मैं मेरा एक दूसरा चैनल है नव क्लासेस, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की भी मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, तो मैं बस उनसे परफेक्टली पूछती हूँ, आर यू ओके विद दैट? अगर वो ओके हैं, अगर वो शेयर करना चाहते हैं, ओनली देन आई शेयर। ठीक है, सो वो अपने आप ही हम एक दूसरे से पूरा एक बॉन्ड तैयार करते हैं, तभी हम उसको अपलोड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और कुछ शूट कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ साथ किसी और पर्सन की कोई नेगेटिव साइड सामने ना आए। ठीक है, अगर हमने शूट कर भी ला और गलती से आ गया, आपको भी नहीं पता चल रहा और उसको भी नहीं पता, बट स्टिल आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको या तो ब्लर करें या फिर उसको कहीं अपलोड ना करें, या तो उसको कट करें, क्रॉप करें, ये सब आपको आता है। सो इन सब चीजों का ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आजकल इशू बन रहा है। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग गलती से कर जाते हैं, तो हमेशा सारी चीजें देखकर एंड देन ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप लिया कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है इस बारे में, कुछ और ऐड करना चाहते हैं? किसी के पास कोई और स्ट्रेटेजी है या कुछ और आपके माइंड में आ रहा है तो वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एज पर दिस टॉपिक। और कोई और कौन सा टॉपिक अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर छेड़ें कि अवेयर हो जाए लोग उसके बारे में, तो आप डेफिनेटली हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कभी भी आपके साथ गलत होता है फ्रेंड, तो आवाज उठाएं, उन्हें उसी वक्त रोक दें कि आपने भी जो हमारे साथ किया गलत किया है, तो आप स्टेप लें, डरे नहीं। हाँ, नहीं तो फिर बात आगे बढ़ती रहती है और फिर कुछ का कुछ बन जाता है। इसलिए बेटर है कि जब भी आपको लगे कुछ रॉन्ग हो रहा है, उसी टाइम पे यू जस्ट बैक ऑफ और या फिर आप उसके लिए कुछ कहें। ये एक और एक टॉपिक है, मैं अपनी क्लास में भी समझाती हूँ, असर्ट योर सेल्फ। असर्ट योर सेल्फ का मतलब है कि अपनी बात इस तरीके से कहना कि सामने वाले को समझ आ जाए और आपका काम भी हो जाए, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखना। आजकल बहुत संसद भवन में भी ये सब टॉपिक चल रहा है, किस तरह से लोगों ने टीवी के थ्रू उनकी प्राइवेसी को अटेंड किया, तो इस तरह से सब नहीं होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी को। तो ध्यान से सब हर जगह हमें जाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, टीवी ऑन करने से पहले सब चेक कर लेना चाहिए। एक्चुअली मदर बात कर रहे हैं कि एक इशू है जो आजकल टीवी में चल रहा है कि जैसे अगर कहीं होटल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे टीवी देखा तो वहाँ पे वो आप ही देख रहे हो, बल्कि वहाँ पे भी पीछे कहीं कैमरा हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के बिल्कुल अपने सेफ्टी अपने हाथ में, प्राइवेसी लोग रिसेप्शन पे देख रहे होते हैं, तो उसकी सेफ्टी आप खुद कह रहे हैं फ्रेंड्स। यस, सो ये काफी बड़ा मुद्दा है जो टीवी में आ रहा है आजकल, तो उससे रिलेटेड हमने सोचा कि हम दूसरों को भी अवेयर करें और आप भी ध्यान रखें कि दूसरों की प्राइवेसी आपकी वजह से लूज ना हो। थैंक यू सो मच।
ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं और कुछ सुझाव है तो जरूर दीजिए। थैंक यू।